नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे पंचत्रिंशः सर्ग, यानी कि किष्किंधा कांड से 35वां सर्ग। लक्ष्मण सुग्रीव पर कुपित हैं, क्रोधित हैं। तो अब इस सर्ग में हम देखेंगे तारा का लक्ष्मण को युक्तियुक्त वचनों द्वारा शांत करना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा ब्रुवाणम सौमित्रिम प्रदीप्तम इव तेजसा अब्रवी लक्ष्मणम तारा ताराधिप निभनना। नैवम लक्ष्मण वक्तव्यो नायम परुषमर्हति हरिणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद् विशेषतः। नैवाकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः नैवानृतकथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः। उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैर्दुष्करं रणे। राम प्रसादात् कीर्तिं च कपिराजं च शाश्वतं प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परन्तप। तो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे, क्रोधित थे सुग्रीव पर। तो वो जब ये सब बातें कह चुके तो चंद्रमुखी तारा अब उन्हें शांत करने का प्रयास कर रही हैं। कहती हैं, हे कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं हैं। हे वीर कपिराज, सुग्रीव न कृतघ्न हैं, न शठ हैं, न क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं। हे वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है। उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया ही नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले हे सुमित्रा नंदन, श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। सुदुख शयितः पूर्वम प्राप्येदम सुखम उत्तमम प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः। घृताचाम किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः। साहि प्राप्तम न जानीते कालम काल विदाम्बरः विश्वामित्रो महातेजः किं पुनर्यः पृथज्जनः। देह धर्म गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण अवित्तिप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहार्हति। न च रोषवशं तात गन्तुम् अर्हसि लक्ष्मण निश्चयार्थं विज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा। तो तारा लक्ष्मण को बार बार समझाने का प्रयास कर रही हैं। सुग्रीव की तरफदारी करते हुए कहती हैं कि पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध ही नहीं रह गई थी। तो लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची यानी मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को
एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। तो हे कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके, मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसीलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई है। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। हे तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। सत्वयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधाः पुरुषर्षभ अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ते वश्यतां प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थं समाहिता महान् रोषसमुत्पन्नः संग्रम्भस्त्यज्ययतामयम् रूमां मां चांगदं राजं धनधान्य पशूनि च राम प्रियार्थं सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवं शशांकमिव रोहिण्या हत्वा तं राक्षसाधमं शतकोटिसहस्राणि लंकायां किल रक्षसां आयुतानि च षट् त्रिंशत् सहस्राणि शतानि च। तारा आगे कहती हैं लक्ष्मण को समझाते हुए कि हे पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। हे धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रूमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। आधुनिक गणना के अनुसार इस संख्या को देखा जाए तो ये 10,03,99,600 के बराबर होती है। आहत्वा तांश दुर्धर्षान राक्षसान काम रूपिणः नाशक्यो रावणो हन्तुम् येन सा मैथिली हृता तेन शक्यारणे हन्तुम् सहायेन लक्ष्मण रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः एवमाख्यातवान् वाली साह्यभिज्ञो हरीश्वरः आगमस्तु नामे व्यक्तः श्रवात्तस्य ब्रवीम्यहम् त्वत्सहाय निमित्तम् हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः आनेतुं वानरान् युद्धे सुबहून हरिपुङ्गवान् तांश्च प्रतीक्षमाणोऽयम् विक्रांतान सुमहाबलान
राघवस्यार्थ सिद्धयर्थम् नानिर्याते हरीश्वरः। आगे कहती हैं तारा कि वे सब के सब राक्षस यानी 10,03,99,600 राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं तथा दुर्जय हैं। उन सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। तो हे लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा ना तो उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और ना क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानरराज वाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे, उन्हीं ने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, अब यह तो मुझे मालूम नहीं है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था और वही मैं इस समय आपको बता रही हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। और हे लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर निकल नहीं सके हैं। कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा आद्य तैर्वानरैः सर्वैरागन्तव्यं महाबलैः ऋक्षकोटिसहस्राणि गोलाङ्गुलशतानि च अद्य त्वामुपयास्यन्ते जहे कोपम् अरिन्दम कोटयो अनेकास्तु काकुत्स्थ कपीनाम दीप्त तेजसाम तव हि मुखमिदं निरीक्ष कोपा क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणा हरिवर्वनिता नयान्ति शान्तिं प्रथम भयस्य हि शंकिताः स्म सर्वाः। तो तारा अब कहती हैं लक्ष्मण से आगे कि हे सुमित्रा नंदन, सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। तो हे शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्र 10 अरब रीच 100 करोड़ 1 अरब लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे, इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय बालिवध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। कृपया हमारी इस शंका का, हमारे इस भय का निवारण कीजिए हे सुमित्रा नंदन, और शांत हो जाइए। तो तारा के इस अनुनय विनय के साथ इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 35वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 35वां सर्ग है। ओम श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः।